दोस्तों सैमसंग तैयार है एंड्रॉयड की दुनिया का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लॉन्च करने के लिए। ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इसी S24 अल्ट्रा के बारे में कि आखिरकार इसके स्पेसिफिकेशन आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाली है, इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा और इसकी प्राइसिंग आखिरकार क्या कुछ होने वाली है। तो हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से रिगार्डिंग, तो बस आप इस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं जो कि इस बार का सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस वाला डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चेंजेस सबसे बड़ी ये करी जाएगी कि अभी तक जो है आपको देखने को मिलता था अल्ट्रा हो गया, S23 अल्ट्रा हो गया, S22 अल्ट्रा हो गया, फिर उससे के पहले के जो भी हो गए मतलब हाइयर वेरिएंट वाला, वहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता था। बट सैमसंग इसको चेंज करने जा रहा है, यहाँ पे आप फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, कर्व डिस्प्ले जो इस बार सैमसंग हटा रही है। अब क्यों ऐसा कर रही है मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा मतलब यहाँ पे हाथ में पकड़ने में अच्छा ग्रिप दे देती, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था कर्व डिस्प्ले, बट इसको यहाँ पे हटा रही है और फ्लैट डिस्प्ले कर रही है सामने से। हाँ पीछे की तरफ थोड़ा बहुत आपको कर्व देखने को मिलेगा, बट आगे से इसको पूरा फ्लैट बना रही है सैमसंग। अब दोस्तों यहाँ पे सामने की बात करें तो पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले होने वाला है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मानकर चलिए 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो जाएगा। बैक की तरफ जो है क्वाड कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा लीक्स के माने तो, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का होने वाला है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा, सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड कैमरा 10 मेगापिक्सल मे बी पोर्ट्रेट लेंस वाला होगा, एंड फोर्थ कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि टेली फोटो लेंस के साथ में आएगा। तो यहाँ पे कैमरा लिमिट भी काफी बड़े बड़े नंबर खेल दिया गया है, कैमरा लिमिट मतलब काफी तगड़ा यहाँ पे देखने को हमें मिलने वाला है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी होने वाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड 45W का फास्ट चार्जिंग का ये फोन जो है सपोर्ट करेगा, एंड ऑब्वियस बात है बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को हमें नहीं ही मिलेगा। एंड हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। मैं बस सैमसंग से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ चेंज मत करना, एक्जीनो चिपसेट के साथ इंडियन मार्केट में मत लाना, जो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 है बिल्कुल उसी के साथ लेकर आना, मतलब प्लीज़ यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ एक्जीनोस के साथ मत लेकर आना इंडियन मार्केट में। खैर यहाँ पे आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक नहीं होने वाला है मिसिंग होगा, डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, IP68 का रेटिंग भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलने वाला है, जो फ्रेम्स हैं जैसा एप्पल में हमें कड़ा करने को देखने को मिला है वहीं से ही हमें इसमें भी टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको इनबिल्ट एस पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो हमेशा से सैमसंग की पहचान रही है फ्लैगशिप सीरीज की कि हाँ भैया यहाँ पे हमें एस पेन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे स्पेक्स की कहानी थी सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इसकी प्राइसिंग आखिरकार कितनी हो जाएगी, तो देखो इसकी प्राइसिंग आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 रुपए के आसपास। जी हाँ दोस्तों 1,30,000 से 1,35,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग देखने को आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, आप मानकर चलो ये 1,30,000-35,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। और इंडिया लॉन्च के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बताया जा रहा है 17 जनवरी के आसपास ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। कन्फर्म डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बट 4-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। एक डेट जो है निकल कर आया है कि 17 जनवरी के आसपास जो है इंडियन मार्केट में आप इसका लॉन्च डेट मानकर चलो कि 17 जनवरी के आसपास सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। हो सके 2-4 दिन में जो है लॉन्च डेट इसका कंफर्म कर दिया जाएगा। तो खैर यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाली। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।